गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से निकाली गई बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है जिसमें की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है और यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफी बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप देख पाएंगे ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पे देख सकते हैं एंड यहां पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए निकाली गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी वो 17 जून 2022 यहाँ पे रहेगी, तब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो भी यहाँ पे पोस्ट रहेंगी इसमें जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं 1044 वैकेंसी रहेंगी जिसमें 418 वैकेंसी जो रहेंगी रिजर्व के लिए रहने वाली हैं। 175 पोस्ट एससी के लिए रहेंगी, 79 एसटी के लिए, 268 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में यहाँ पे जो 104 वैकेंसी दी गई है, बाकी आप कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो एडमिशन की वैकेंसी रहेंगी जो आईडीबीआई बैंक में रहेगी पीजी डीबीएफ की वो आपकी 2022 एंड 2023 के लिए रखी गई हैं, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए 500 पोस्ट यहां पे रखी गई हैं, 200 इसमें अनरिजर्व के लिए रहेंगी, 121 एससी के लिए, उसके अलावा एसटी के लिए यहां पे 28 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट यहां पे रखी गई हैं। तो काफी बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। यहां पे 1500 प्लस आपके लिए वैकेंसी रखी गई है जिसमें कि जो आपकी यहां पे क्रूशियल डेट जो आपको दी गई है जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे रहेगा April 1, 2022 आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट दिए गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज क्वालिफिकेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी स्टार्ट रहेगी एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की वो आपकी June 3, 2022 से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। परसों से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट की दी गई है वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं July 9, 2022 रहेगा। एंड यहाँ पे जो एडमिशन ऑफ आईडीबीआई बैंक की पीजी डीबीएफ 2022-2023 के लिए July 2022 यहाँ पे रहेगा, 23 जुलाई 2022 यहाँ पे डेट दी गई है। 17 जून तक आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपका एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाला है, एज जो आपकी रहेगी मिनिमम आपकी यहाँ पे 20 रहेगी, मैक्सिमम 25 दी गई है। उसके अलावा आईडीबीआई बैंक में पीजी डीबीएफ की पोस्ट के लिए जो रहेगी 21 मैक्सिमम रहेगी, मिनिमम रहेगी एंड 28 यहाँ पे मैक्सिमम दी गई है। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएट आप यहां पे होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखी है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी यहां पे जो आप देख सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपका सैलरी यहाँ पे रखा गया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहेंगी, 1 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसको कि 2 ईयर के लिए एक्सटेंडेबल किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे उसके अलावा जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम एयर जो आपका रहेगा वो 3 साल का रहेगा जिसमें कि आपको कंसोलिडेटेड सैलरी जो दी जाएगी 29,000 पर मंथ आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा, 31,000 सेकंड ईयर में एंड 34,000 आपका जो वो थर्ड ईयर में रहेगा। बाकी उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो भी आपका यहाँ पे सर्विस सेंटर्स दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे आपके जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं जिसमें कि साउथर्न एंड वेस्टर्न जोन में जो आपके रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट जो आपकी रखी गई है एंड जोन आपका रहेगा वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन में जो आपका रहेगा भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली, पटना रहेगा। न्यू दिल्ली में जो आपके यहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं वो आपके दिल्ली, यूटी रहेगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड यहाँ पे चंडीगढ़ में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूटी एंड पंजाब रहने वाला है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। बाकी उसके अलावा प्रोग्रामिंग फीस जो आपकी यहाँ पे रहने वाली है वो आपका यहाँ पे कोर्स जो रहेगा वो आपका 3,50,000 पर मंथ आपका यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे 3,50,000 आपका यहाँ पे रहने वाला है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका कैरियर प्रोस्पेक्टिव एंड इमोलमेंट्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो आपका स्टाइफंड जो रहेगा वो 9 मंथ के लिए यहाँ पे 2,500 आपका पर मंथ रहने वाला है एंड 3 मंथ में आपका यहाँ पे जो रहेगा 10,000 पर मंथ रहेगा आफ्टर आपका इंटर्नशिप के बाद में।
उसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, वो रिटन टेस्ट रहने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके अलावा आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। एंड आईडीबीआई बैंक में जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका यहाँ पे ओटी रहेगा, उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओटी आपका रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 रहेंगे, जनरल एंड इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी के 60 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। 2 आवर्स का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है इंग्लिश एंड हिंदी में, यहाँ पे आपकी पेनल्टी भी रहेगी, 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे एवरी रॉन्ग आंसर के। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपर इसका क्राइटेरिया आपको दिया गया, इसमें रेज रिलैक्सेशन जो आपको दी जाएगी एज पर रूल आपकी यहाँ पे रहने वाली है। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मैंने बता दिया है, आप जो वो यहाँ पे डिग्री कैंड आपने कर रखी है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा, जून 3 से लेके 17 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी इसका लिंक अवेलेबल होता है 3 तारीख से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका रहने वाला है वो भी आपको मैंने बता दिया है, कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इसमें सारा आपको मेंशन किया गया है। एंड बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 200 रुपीज़ रहेगी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है एप्लीकेशन फीस। उसके अलावा अगर कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। एंड बाकी जो भी आपका मेन मेन चीज़ें रहने वाली थी वो मैंने सारे आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं, कुछ भी पेंडिंग बचा हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।